आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सरकारी स्कूलों के रसोइया अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सभी की मांग यही है कि उन्हें कार्य दिवस में ड्यूटी टाइम 10 बजे से शाम 4 बजे तक कार्य करने दिया जाए। साथ ही महीने का मानदेय मात्र 1500 रुपये मिलता है, जिससे घर का गुजारा मुश्किल हो जाता है। धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने मांग को पूरा मिल सके, उनके मांग में उन्हें कलेक्टर दर से वेतन की भुगतान किया जाए। आइए जानते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता भूपेश कुमार साहू से। नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कुमार साहू। इस वक्त मैं मौजूद हूं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर, जहां पर स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइयों का हड़ताल चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करें कि किन मांगों को लेकर आज वो हड़ताल में बैठी हुई है। मैं सुशीला वर्मा बोल रही हूँ, ग्राम मोभट्ठा से, मेरा जिला मुंगेली है। रसोइया हूँ मैं, और मतलब हम लोग ना 15 वर्ष से ज़्यादा हो गया खाना बनाते, और पहले तो मतलब 600 था, 600 से मतलब 1000, 1000 से 1200, उसके बाद ऐसे बढ़ाए कि 1500 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। कब से बोल रहे हैं 10000 बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ रहा है। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और ना 10 बजे से 4 बजे तक हम लोग का काम मतलब चलता है वहाँ पर। मतलब सीधे तौर में हम कह सकते हैं कि सरकार काम पूरा लेती है लेकिन वेतन नहीं देती है। कम से कम हाँ, मजदूर लोग को तो मतलब 200 हो गया, तो हम लोग को क्यों नहीं हो रहा है भाई। कम से कम कलेक्टर दर्ज के अनुसार ही हम लोग का वेतन देना चाहिए ना। जैसे आज हड़ताल में बैठे हुए हो, तो आगे की रणनीति कुछ बनाए हुए हो कि आगे हम सरकार की आपके बातों को सरकार तक कैसे पहुँचाओगे? अब भूख हड़ताल करके जैसे जो भी बनेगा हम लोग से वैसे करके पहुंचाएंगे। सब साथ हम लोग के संग में चलेंगे, सब कोई भूख थका करना पड़ेगा, भूख थका कहीं और जाना पड़ेगा जिला के, तो और जाएंगे उसके आगे। आने वाले वर्ष में चुनाव हैं, तो चुनाव में तो अब सबकी मांग जायज रहते हैं, तो उस समय आप क्या रणनीति को लेकर सरकार के पास जाओगे? हम लोग भी जाएंगे, तो हम लोग भी जाएंगे। हाँ, पीछे नहीं हटेंगे, जितना आगे जाते जाएंगे हम लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ ठीक है, मतलब तमाम तरीके की जो बात निकल कर आ रही है कि जो रसोइयाँ हैं वो बेतोड़ मेहनत करती है, लेकिन जो उनको मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ भूपेश कुमार साहू, न्यूज 18।